पापियों के पाप धोने वाली गंगा में डुबकी लगाने से भले ही आपके पाप धुल जाएं, लेकिन इसका पानी बीमार जरूर कर सकता है। जी हाँ, एक रिपोर्ट के तहत ये बात सामने आई है कि हरिद्वार की गंगा का पानी इतना गंदा है कि पीना तो दूर, नहाने लायक भी नहीं है। सरकार ने भी गंगा को स्वच्छ करने के लिए नमामि गंगे योजना चलाई है, लेकिन हकीकत में इस परियोजना के परिणाम अभी तक धरातल पर सामने नहीं आए हैं। केंद्र सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने RTI के तहत मांगे जवाब में स्वीकार किया है कि हरिद्वार में गंगा मैली है और इसका पानी पीने लायक नहीं है। RTI के जवाब में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने माना कि हरिद्वार में गंगा का पानी सभी सुरक्षा मानकों पर विफल रहा। CPCB ने उत्तराखंड में गंगोत्री से हरिद्वार के बीच 294 किलोमीटर लंबी गंगा में 11 जगहों से गंगा जल के नमूने जाँच के लिए लिए थे। इस जांच में पता चला कि हरिद्वार के आसपास गंगाजल में BOD, कोलीफॉर्म और दूसरे जहरीले पदार्थों की मात्रा काफ़ी अधिक है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने 2014 में कहा था कि गंगा 3 साल में साफ हो जाएंगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने पद ग्रहण करने के बाद अपने वाराणसी दौरे में खुद को गंगा माँ का गोद लिया हुआ बेटा बताया था। केंद्र सरकार गंगा को साफ करने के लिए नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा चला रही है, लेकिन रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आया है वो हैरान करने वाला है। ऐसे में मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने के हो और इस रिपोर्ट के बाद सरकार की किरकिरी होनी तय है। देखते रहिए TV Live।